राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र, एक ऐसे पौधे का जड़ जिसको आप धारण करके किसी भी फीमेल को, किसी भी स्त्री को, प्रेमिका को, पत्नी को सदैव के लिए अपने वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बांध सकते हैं, अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के बाद आपके चेहरे में एक ओज आएगा, एक कांति आएगी, चेहरे में एक आकर्षण का भाव आएगा और आपके अंदर मर्दाना शक्ति, पुरुषत्व की प्राप्ति होगी। आपके ओज में, आपके वीर्य में बहुत अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी और अत्यधिक स्तंभन हो जाएगा। स्तंभन दोष से पीड़ित है तो भी इसका प्रयोग करके देखिएगा, अपने आप में बहुत चमत्कारिक अषदारिक प्रयोग है। यह प्रयोग पुरुषों के लिए है, युवकों के लिए है, किसी फीमेल को अपने बस में करने के लिए किया जाता है। श्रद्धा भाव विश्वास के साथ यह आजमा के देखिएगा। यह प्रयोग आपको करना है मंगलवार को, अर्थात मैं जिस पौधे की बात कर रहा हूँ उसके जड़ को आपको मंगलवार को लाना है। और प्रयोग तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर लाना है आपको मंगलवार के दिन। जब भी कोई प्रयोग करे अपने मन में एक प्रसन्नता का भाव रखें और प्रयोग के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने की पूर्ण आवश्यकता है। और साथ में इस बात का आपका ध्यान रखना होगा कि आपकी एनर्जी बैलेंस है। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो कोई भी प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी, और यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो प्रयोग में सफलता थोड़ा देरी से मिलती है। दूसरी बात की किसी को क्षति पहुंचाने की नीयत से, हानि पहुंचाने की नीयत से, ब्लैकमेल करने की नीयत से या चीट करने की नीयत से कदापि हमारे द्वारा बताए गए किसी प्रकार के प्रयोग का दुरुपयोग ना करें। हाँ, यदि आप लोग रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, तो रिश्तों को बैलेंस करने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। रिश्ता पति का हो, प्रेमी का हो, पत्नी का हो, प्रेमिका का हो, अपने रिश्तों को बैलेंस करने के लिए वशीकरण का प्रयोग करें, मगर भूल करके भी इसका दुरुपयोग ना करें। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके अध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर प्रयोग करें, सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जितनी भी समस्या है उनका समाधान हमारे माध्यम से हो, अर्थात अपनी जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान मेरे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करें। फोन कॉल का कदापि प्रयोग ना करें। कारण क्या है? अधिक कॉल आने के चलते नंबर साइलेंट ही होता है, किसी का फ़ोन उठता है, किसी का फ़ोन नहीं उठता है। आप लोग का फ़ोन नहीं उठेगा तो आप लोग को बुरा भी लगता होगा। अतः आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि कृपया हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप का प्रयोग करें। और हम चलते हैं प्रयोग विधि पर। जो आज का प्रयोग मैं लेकर के आया हूँ वो अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। श्रद्धा भाव विश्वास के साथ इसको आजमा के देखिएगा। इस प्रयोग में जिस पौधे की आवश्यकता है उसका नाम है लाल अपमार्गा। लाल अपमार्गा आपको मिल जाता है, आसानी से मिल जाएगा,
गूगल पे सर्च कर लेंगे कि यह कैसा होता है, तो आपको आसानी से इसके रूप रंग का चित्र वहाँ मिल जाएगा, आप प्राप्त कर लीजिए। नहीं मिलेगा तो हमारे माध्यम से ले लीजिएगा। लाल अपमार्का के पास आपको जाना है मंगलवार के दिन, उनको प्रणाम करके श्रद्धा भाव विश्वास के साथ उनसे कहना कि हे वृक्षराज, मैं आपका कुछ अंश लेना चाह रहा हूँ अपने वशीकरण के कार्य हेतु, कृपया हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद उनका जल आप लेते हैं और फिर धूप धूप अगरबत्ती जला के उसको सिद्ध कर लीजिए और अपने कमर में उसको बांध करके अगर आप सहवास करते हैं किसी फीमेल के साथ, तो वह सदैव आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बंधी रहेगी और उसके मन में किसी का ख्याल भी नहीं आएगा। अपने आप में बहुत चमत्कारिक और असुधारित प्रयोग है, आज मां के देखिएगा। धन्यवाद। राम राम।